बरसात की दस्तक के साथ ही शिवनाथ नदी किनारे बन रहे पुलगांव नाला डायवर्जन निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते नदी में नाले से बहकर आने वाले पानी के साथ जलकुंभी भी पहुंच रहे हैं। शहर को निरंतर शुद्ध पेयजल और बिना रुकावट पेयजल सप्लाई व्यवस्था को सुधारने की गरज से शिवनाथ नदी किनारे बरसात के दिनों में पुलगांव नाले से बहकर आने वाले जलकुंभियों के कारण इंटक वेल में जा फंस जाने से पानी सप्लाई प्रभावित होती है, जिसे दूर करने दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार कई योजनाएं बनाकर बहकर आने वाले जलकुंभियों को नदी से निकाला जाता है। वहीं इसी कड़ी में इससे निपटने शिवनाथ नदी किनारे पुलगांव नाले के ऊपर डायवर्सन कार्य किया जा रहा है, जो कि अब तक बारिश की दस्तक होने के बाद भी अपने आधे अधूरे निर्माण तक ही पहुँचा है। इसी कड़ी में दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों के साथ पुलगांव नाला डायवर्सन कार्य का निरीक्षण किया और इसे जल्द पूर्ण करा लेने के निर्देश दिए। साथ ही साथ इंटेक वेल के पास जलकुंभी एकत्रित न हो, इसका भी ध्यान रख इंटेक वेल के पास साफ सफाई करवाने के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। जलकुंभी जो फंसता है उसके लिए डेली पे हमारा लेबर वहाँ पे लगे रहते हैं। जैसे जलकुंभी इंटेक वेल फंसती है उसको हमारे लेबर के द्वारा सफाई लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं से जलकुंभी नदी में आकर के फंसी रहे, कंटिन्यू सफाई का भी कार्य चल रहा है। डाइवर्शन का जो कार्य किया गया था सर, वो कितना तक पूर्ण हुआ है? डाइवर्शन में काम लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हुआ है, वो भी जल्दी से हम कोशिश करें जल्दी पूरा करें। एक तरफ बरसात का मौसम अपनी दस्तक दे चुका है, वहीं नगर निगम द्वारा जल कुंभियों से इंटक वेल को बचाने बनाए जा रहे पुलगांव नाला डायवर्सन कार्य जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, अब देखना होगा कि क्या इस बरसात में भी लोगों को इंटक वेल में जल कुंभी फंस जाने के कारण पानी सप्लाई में परेशानी का सामना करना पड़ेगा या दुर्ग निगम जल कुंभियों को रोकने में सफल हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।